अगर हम बात करें जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और अगर देखा जाए अगर उसमें आयरन की कमी हो जाती है तो वो दिक्कतें होती है, क्योंकि कुछ हमारे बीच में कुछ ऐसे सब्जियां हैं, हमारे बीच में ऐसे फल होते हैं कि जो वो आयरन हमारे शरीर को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश में या हमारे समाज में कि हम लोग शाकाहारी को दाल चावल रोटी सब्जी भी अगर हम बनाते हैं तो हमारे जो भोज हमारे रसोई में जो शरीर जो सब्जी हम बनाते हैं ना उस सब्जी को इतना जला देते हैं कि जो उसके अंदर का जो आयरन होता है या जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं विटामिन्स होते हैं वो क्या है वो खत्म हो जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम तो सब्जी ले रहे हैं, अगर किसी से हम पूछते हैं कि भाई आप सब्जी का इस्तेमाल नहीं करते, कहते हैं कि हम सब्जी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है सब्जी का इस्तेमाल तो कर तो रहे हैं लेकिन वो सब्जी का जो जो फायदा है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो लोहे की कमी के जो जोखिम जो होते हैं वो ये देखा जाता है कि उसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि आयरन की कमी से विकसित होने वाले बहुत सारे जोखिम है, जैसे जिन लोगों को मासिक धर्म होता है, ठीक है ना, अब देखा गया कि अगर आयरन की कमी आपके अंदर पाई जाती है, खून की कमी अगर आपके अंदर पाई जाती है तो मासिक की समस्या जरूर आएगी आपके अंदर। दूसरी बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें भी ये दिक्कतें बढ़ेंगी। ठीक है, जैसे अक्सर देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उस समय जो फिटस है जो भ्रूण है वो ग्रोथ करता है, उस समय आयरन की जिंक की बहुत सारी चीजों की हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और आपने एक चीज देखा होगा कि महिलाएं जब गर्भावस्था में आती है तो उनको एक चीज होता है उल्टी होने लगता है जी मिचलाता है, ये क्या है ये आयरन की कमी से होता है। ठीक है, और जो लोग बार बार रक्तदान करते हैं उनमें भी देखी जाती है, जिन लोगों गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है उसमें भी ये कमियां जोखिम देखने को मिलता है। और कहते हैं कि गर्भावस्था में जो 37 सप्ताह होता है ना से पहले का जो समय है जो जन्म लेने से वाले शिशु उनको भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हमें बहुत सारी चीजों में आयरन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आयरन की कमी से कई स्वास्थ्य स्थितियों में हमें भी महसूस होता है कि जैसे कैंसर, अगर हम देखा जाए कि आयरन की कमी ज्यादा लोगों को है तो उनके अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है, आंतों संबंधित कुछ विकार होने लगते हैं, बीमारियां होने जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होने लगता है, ठीक है ना, क्रॉनिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं, दिल की धड़कन का रुकना, जैसे कभी कभी आपने देखा घबराहट होने लगती है, जैसे लगता है कि सीने पर दबाव महसूस होने लगता है, धड़कन कम होने लगता है। और यहाँ पर देखा जाए कि जो लोग गुर्दे से बीमार लोग हैं जैसे गुर्दा उनका प्रॉब्लम में ग्रस्त है तो उस समय ये दिक्कतें होने की चांसेस बढ़ जाती हैं कि हेमोडायलिसिस से गुजरते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर आयरन की कमी होने लगती है तो कुछ लोगों को एसिड भी बनने लगते हैं। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि हमारे आंतों में जो ना आयरन के अभाव में जो है गर्मी जैसे कुछ हीट जनरेट होने लगता है, उसकी वजह से भी दिक्कत है। तो यहां अगर हम बात करें कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें ये देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जब हमारे शरीर में जो लोहा जिसको आयरन हम बोलते हैं अगर वो तत्व की कमी पाई जाती है जब, तो क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मैं इस जो इसमें आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, एक तो पहली बात उसको थकान जल्दी महसूस होना, सांसों में कमी, सांस फूलना, उसको जैसे रास्ता चलेगा तो उसको बैठने का मतलब जरूरत पड़ेगी कि जरा मैं आराम कर लूँ, चक्कर आना, सिर में दर्द, मीठा मीठा दर्द बना रहेगा, स्किन में ना पीलापन आने लगता है, थोड़ा सा देखेंगे कि स्किन में का रंग जो है चेंज होने लगता है, और क्या होने लगता है कमजोर और भंगुर नाखून, नाखून का जो रंग है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा कंसंट्रेशन है वो क्या है वो गड़बड़ होने लगेगा, हमारा मन भागेगा विचलित होगा, ठीक है, मन स्थिर नहीं रहेगा। और क्या है याददाश्त की कमजोरियां हमारे शरीर हमारे हमारे
आपको देखने को मिलेगी, याददाश्त की कमजोरी। तो कहने का ये मकसद है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कितने सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और एक बात और बता दूं कि जिनको आयरन की डिफिशंसी देखी जाती है उनको भूख भी कम लगने लगता है, उनकी भूख मर जाती है, आपने देखा होगा। और क्या है, कुछ लोगों के पेट में जलन भी होने लगती है। ठीक है, तो आयरन का जो होना हमारे शरीर के अंदर कितनी आवश्यकता है, कितना आवश्यक तत्व तो है ये, तो हमें इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और मैं बता दूं इसके अलावा, जैसे बालों का झड़ना भी है, कुछ लोगों को आंखों की समस्या भी आने लगती है, ऐसे मसल्स की प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आमतौर पर जो है एक जैसे कहते हैं ना कि जो आयरन की जो मात्रा है वो हमारे हमारे भोजन में या हमारे शरीर में हमें डेली हमें कुछ न कुछ हमें लेना पड़ता है, और उसका मात्रा भी दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह आप देख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो एक कहते हैं ना कि कुछ चीजों का एक अपना पैरामीटर दिया है, एक कहा है कि हमें इतना तो लेना ही चाहिए। जैसे 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनको प्रति लीटर 12 माइक्रोग्राम से कम, मतलब कि हमें इसके अंदर में उनको जरूरत पड़ती है और लेना चाहिए। 5 साल से उसके अधिक जो उम्र के बच्चे हैं या वयस्क हैं, प्रति लीटर 15 माइक्रोग्राम से हमें कम, मतलब इसे ज्यादा ना लिया जाए। ठीक है, और जिनको संक्रमण या जैसे मान लो सूजन वाले जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको उनको भी हमें इन सब 33 माइक्रोग्राम से कम मात्रा होना चाहिए, उनको देना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि जो वयस्क लोग हैं उनको भी ये चीजें, तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इससे ज्यादा देते हैं तो क्या हो, हमारे शरीर में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये तो रहा जो कि आज मार्केट में हमें आयरन के टेबलेट या कैप्सूल हम लेते हैं, क्योंकि वो जो कैप्सूल होता है ना, जो टेबलेट है आयरन का, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए साइड इफेक्ट है। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपके घर में मैग्नेट है, चुंबक है, तो मार्केट से जो कैप्सूल आता है आयरन का, जिस आयरन के रूप में हम जो लेते हैं कैप्सूल, जब उस कैप्सूल को उस मैग्नेट से अगर टच करेंगे आप देखना वो कैप्सूल उस मैग्नेट से वो चिपक जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो जो उसके अंदर जो आयरन के तत्व डाले गए हैं ना, अगर आप देखेंगे उसके अंदर लोहा डाला गया है ना। और मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो जो कैप्सूल आयरन के मिलते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं किडनी पे जाके असर डालते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तरह से सिंथेटिक होता है, हार्ड मेटल होता है ना। बसरते क्या है कि इंसान सस्ते के चक्कर में, अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ का प्रोडक्ट वहां के प्रोडक्ट में लगभग रेट में सेम है, अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं तो मेरे यहाँ का ही सस्ता पड़ता है, टियांस कंपनी का ही सस्ता पड़ता है। तो पहली बात क्या है कि आजकल हम मार्केट में जो कुछ औषधियां ले रहे हैं वो आयरन को बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। मैंने देखा, कई लोगों को मैंने दिखाया कि हमारे यहाँ का जो एफी प्लस का कैप्सूल है और मार्केट का जो कैप्सूल है, दोनों को जब मैंने मैग्नेट को टच किया तो मेरे को पता चला, और मैं लोगों को बताया कि देखो समस्या क्यों बढ़ रही है, किडनी की समस्या क्यों बढ़ रही है, ये इसीलिए बढ़ रही है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें एफ्यू प्लस में, सबसे पहला सोडियम फिट्रेटेटर है, जो ये बहुत हमारे लिए जरूरी है। कहते हैं कि हमारे अगर शरीर में सोडियम की कमी आने लगती है बहुत सारी समस्या बढ़ने लगती है। विटामिन ए सी B1 B2 विटामिन B5 B6 B12 और फोलिक एसिड, ये इस सप्लीमेंट में एफ्यू प्लस में ये पड़े हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि ये जो सप्लीमेंट है, ये जो एफ्यू प्लस है, ये कितना बढ़िया काम करता है, मेरा ये अनुभव है। मैं अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूँ कि वाकई में ये वंडरफुल चीज है। अभी मैं कुछ अपना अनुभूतियों को भी शेयर करूंगा आप लोगों को। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो ये प्रभावकारी है किस चीजों का, पहला चीज तो ये है कि जो ब्लड सेल हमारा रेड ब्लड सेल है, इसको क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, उसमें सहयोग करता है, ब्लड बढ़ने में ये सहयोग करता है। दूसरा, ये जो हमारे शरीर का जो मसल्स प्रॉपर जो फंक्शन होता है उसको प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है, सहयोग करता है। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के अंदर गर्मी जैसे ज्यादा लगती है, मतलब वो कहते हैं ना कि
थोड़ा गर्मी बढ़ा तो उसको पंखे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कभी कभार देखा जाता है कि बुखार उसको महसूस नहीं हो रहा है ना, लेकिन उसको महसूस होता है कि मेरे अंदर बुखार है। अगर उसको आप मेजर करोगे तो टेम्परेचर उसका नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर उसको दिखेगा कि मेरे को बुखार जैसा। मतलब आप सामान्य तौर से जानिए कि उसका मुंह का जो स्वाद है कड़वाहट रहता है। अगर और कड़वाहट के चक्कर में उसके अंदर ना हीट जैसे पैदा होता है। अगर एफी प्लस उसको आप देते हैं ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर आयरन है, आयरन एक ऐसा चीज है जो ऑक्सीजन को कैरी कराने में मदद करता है और बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हमारे सेल तक नहीं पहुंचेगा तो क्या है, हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। दूसरा, ये जो बॉडी के अंदर अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है, आयरन की डिफिशंसी है, तो उसको ये बहुत जल्दी पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा क्या करता है, ये कंसंट्रेशन जो पावर है, कैपेसिटी है, उसको ये इम्प्रूव करता है। एकाग्रता अक्सर देखा जाता है बच्चों में, ये ज्यादा पाई कि आपने देखा है ना कि बच्चे को हम पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो क्या भागता है, मन उसका भागता है, वो बैठता ही नहीं है। आप बच्चों को इसको जरूर दें, ठीक है, ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो। दूसरा क्या है, बॉडी में इंफेक्शन ज्यादा होने लगते हैं तो उस क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें आयरन जरूर लेना चाहिए। और अगर हम बात करें कि अगर हम इस आयरन को लेते हैं तो क्या है कि हमें ये जो है इन्फेक्शन से दूर रखेगा। दूसरा क्या है, आजकल देखा जाता है कि बॉडी में प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन को जो है रिड्यूस होने लगता है, तो उसको बचाने में उसको हेल्प करता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, मैंने देखा है कईयों को कि लोग कहते हैं ना यूरिन पास करने जाते हैं तो प्रोटीन जब जांच कराते हैं तो ये चीज दिखाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आयरन की डिफिशियंसी से उनका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब है। और डाइजेशन क्योंकि अगर देखा गया है कि आयरन की कमी से लोगों को कब्ज की भी समस्या हो जाती है, ये भी देखा गया है। तो ये चीजें हमें यहां से जब इसको हम लेते हैं एस एफ प्लस को, तो वो भी समस्या हमें हमें उससे निजात मिलता है और हमारा पेट सही होने लगता है। तो कब्ज में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जिनकी जिनको इस कमी से कब्ज की समस्या होती है तो वहां पर हमें लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमें इस चीज को क्यों लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पहली बात तो बच्चों को दे सकते हैं। यहां तक मैं बताऊं कि ये ऐसा आयरन कैप्सूल है हमारे यहाँ एफी प्लस है कि आप 6 महीने के बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है, जो दूध पी रहा है, अगर उसके अंदर आयरन की कमी देखी जा रही है, कमजोर है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को आप दे सकते हैं। मैंने देखा है कि मैंने जब किसी लेडीज को देता हूं ना इस चीज को, खासकर जो प्रेगनेंसी पीरियड में इस समय सफर कर रही है, तो होता क्या है कि जब लेडीज कंसीव होती है तो कंसीव होने के बाद उसको उल्टी के ज्यादा चांस, जी मचलाना, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो मैं कहता हूं कि आप उसको एफी प्लस आंख बंद करके दीजिए और आप देखेंगे उसको उल्टी आना बंद हो जाएगा। दूसरा, जो लोग एनेमिक लोग हैं, जिनको खून की कमी बार बार देखी जाती है, आप उनको दीजिए। और आप सभी ग्रुप के लोगों को दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, सब कोई साइड इफेक्ट नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर रहती है, आप उनको जरूर दिया करें। आप इसके अलावा स्लीपिंग प्रॉब्लम, जिनको नींद ठीक से नहीं आती है, नींद में प्रॉब्लम होती है, आप उनको जरूर दें। और जो जो लड़कियां अभी कम उम्र की हैं, आप उनको जरूर दें, क्योंकि जब उनको मेंसेज आता है और हैवी मेंसेज आता है, तो उस समय खून की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। आप उस समय आप जरूर दें ताकि खून की कमी ना आए। खून की कमी वजह से बहुत सारे बीमारियां भी होती हैं और हार्मोन के डिस्टरबेंस होने लगते हैं, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, खासकर महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि उनके बाल झड़ने लगते हैं, वजह यह भी है। दूसरा क्या है, जिनको गैस्ट्राइटिस की समस्या है, उनको आप जरूर दें। अगर उनको देते हैं ना तो उनको क्या है कि गैस की समस्या उनकी धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है और वो बहुत अच्छा अपने आप को महसूस, क्योंकि गैस की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बीपी की समस्या होती है, आपने देखा है, और क्या समस्या होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, और बहुत सारे स्किन रूखा होने लगता है, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं, बाल झड़ने लगते हैं। तो अब बात आती है कि
जो हमारा ये क्या कहते हैं एफी प्लस है, एफी प्लस में 60 कैप्सूल होता है। नॉर्मल तरीके से सुबह शाम एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इसको ले लिको ऑम वाटर में ले, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा, क्योंकि गुंगने पानी में लेने से क्या होता है कि हमारे पेट में जाकर के जल्दी से ये अब्सॉर्ब होने लगता है, अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पर वैसे जो लोग ज्यादा खून की कमी से ग्रस्त हैं, उनको आप सुबह एक शाम एक दे सकते हैं। नॉर्मल लोगों को आप एक दे सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि खून की कमी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा समस्या का कारण बन जाता है, और एक बता दें आपको कि खून जो 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 आयरन है, आयरन एक ऐसी चीज है, ये बहुत हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि इसको लेना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए। आप परेशान हैं या नहीं है फिर भी लीजिएगा, क्योंकि खून की कमी नहीं होना चाहिए। और खून की कमी से कभी कभार देखा गया है कि लोगों को मृत्यु भी हो जाता है। आपने देखा होगा ना, खासकर जो महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं, और आपने देखा कि खून की कमी की वजह से कभी कभार ऐसा देखा गया है कि उनका अटैक भी आ गया, बहुत सारी समस्या आ गई है। तो ये हम सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि ये जागरूकता का विषय है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बीमार पड़े तभी लें, नहीं, आप जरूर लें, क्योंकि ये हमारे शरीर की नीड है, जरूरत है। इससे हमारे शरीर का ग्रोथ हार्मोन में इसका बहुत अच्छा, जैसे थायराइड के जो लोग होते हैं, थायराइड के पेशेंट जो होते हैं, उनको जरूर लेना चाहिए इन सब चीजों को। और मैं कहता हूं कि जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको भी जरूर दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी चीजें देखी गई है कि ये कमियां पाई जाती है। तो ये जो आज का जो मैंने आपको बताया कि ये जो एफी प्लस है, इस पर आप फोकस करें और जरूर लें। मैं तो लेता हूं, मैं देखता हूं कि मेरे यहाँ जो मेरे जो मेरी फैमिली है, खासकर जो मेरा बेटा है, वो जरूर इस चीज को लेता है, वो जरूर ये कहता है कि मेरे को चाहिए। कभी अगर मेरे यहाँ पॉवर्टी खत्म भी हो गया ना, तो वो मेरे को याद दिलाता है। तो कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो जाहिर सी बात हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम विकास की बात भी सोच पाएंगे। अगर हम आए दिन बीमार रहेंगे तो क्या है, जैसे हम फिर विकास की बात भी नहीं सोच पाएंगे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोगों ने आज ये सेशन आपने ज्वाइन किया, और मैं देख रहा हूं कि अभी तक लोग 93 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का जो सेशन आपने सुना, और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप एफी प्लस का पूरा फायदा लेंगे और दूसरों को देंगे, और अपने लाइफ को भी चेंज करेंगे, हेल्दी भी रहेंगे।